जी पंडित, क्या नाम है जी आपका, किस विषय में आपने मीटिंग रखी? मेरा नाम पंडित धर्मपाल शर्मा है और मैंने जन्माष्टमी के बारे में निर्णय देना है। जन्माष्टमी का जो निर्णय है वो शास्त्र के मुताबिक जो है, जन्माष्टमी 6 तारीख की आ रही है, 6 सितंबर 2023 को है। कारण अब की बार जन्माष्टमी जो है रोहिणी नक्षत्र 6 तारीख को मिल रहा है और जन्माष्टमी अष्टमी भी रात को 6 तारीख को मिल रही है। 6 तारीख को रात को अष्टमी भी है 12 बजे और 6 तारीख को रात को रोहिणी नक्षत्र भी है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो अर्धरात्रि व्यापिनी आधी रात को, रात को जब जन्म हुआ था उस समय रोहिणी नक्षत्र था, बुधवार था और अष्टमी तिथि थी। अब की बार वो सेम मिल रहा है, जयंती योग बन रहा है। पंचांग के अंदर, शास्त्र के अंदर, सभी पंचांगों के अंदर, हिंदुस्तान के सभी पंचांगों के अंदर जन्माष्टमी जो है 6 तारीख को डिक्लेयर की हुई है। और हमारे जो पंडित लोग हैं उन्होंने गुगा नवमी को देखते हुए वो जाकर के वो 7 को कर दिया। 7 तारीख को रात को ना तो अष्टमी है, ना ही रोहिणी नक्षत्र है और ना ही जो है वृक्ष के चंद्रमा है। रोहिणी नक्षत्र भी नहीं है, अष्टमी भी नहीं है, जयंती योग नहीं है। तो जन्माष्टमी 6 तारीख की है, गुगा नवमी 8 तारीख की है। ये कई बार संयोग हो जाता है कि गुगा नवमी जन्माष्टमी से अगले दिन ना आए, ऐसा कई बार योग हुआ है। एक बार नहीं हुआ है, 2002 से पहले तो रोज ही हुआ करता था। जो वैष्णो संप्रदाय के गोड़िया मठ वाले हैं वो हमारे से अगले दिन ही जन्माष्टमी मनाते थे, हम एक दिन पहले मनाते थे। ये 2002 के बाद जो है, जो अनपढ़ पंडित आके बैठ गए सब ने जाकर अड़ंगा कर दिया, बुझा दिया सब। नहीं जो त्योहार है दो ही होते हैं या एक ही त्योहार मनाते हैं? हमारे यहाँ जो शास्त्र में मुताबिक है 6 तारीख का ही जन्माष्टमी है, ग्रिस्तियों के लिए 6 तारीख की है। वैष्णो संप्रदाय जो कंठी माला धारण करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, उनको 7 तारीख की है क्योंकि वो उदय तिथि मानते हैं। उनके लिए रोहिणी नक्षत्र वैल्यू नहीं है कोई भी, उनके लिए कोई अष्टमी तिथि वैल्यू नहीं है, वो सूर्य उदय तिथि मानते हैं। उदय तिथि अष्टमी में होगी चाहे वो एक मिनट भी हो, उसके बाद चाहे एक मिनट बाद ही नवमी लग जाए तभी जन्माष्टमी जो है वो मानेंगे। कितने मंदिर 6 को बना रहे, कितने 7 को बना रहे? हमने किसी के पास घूम ही नहीं, हम घूम नहीं रहे, किसी के पास पता नहीं कर रहे। फोन किए आज सवेरे मैंने, फोन किए जिनके पास फोन किए, जे हम तो क्या करें, हमें पता है भी जन्माष्टमी 6 की है। जिसको पूछते भाई 6 की जन्माष्टमी 7 क्यों मना रहे हैं, कहते क्या करें यार, डिक्लेयर उसने गोपाल ने डिक्लेयर कर दी, गोपाल नहीं मान रहा। तो आप कौन सी तिथि को मनाएंगे? हम 6 को मनाएंगे। कौन सा मंदिर आपका? श्री कन्या मंदिर अग्रवाल कॉलोनी बठिंडा। कितने मंदिर 6 को मनाएंगे यही पता नहीं, ये भी नहीं पता। तो लोगों को क्या अपील करना चाहते हैं? मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि जन्माष्टमी जो शुद्ध दी हुई है शास्त्र मुताबिक वो 6 तारीख को डिक्लेयर की हुई है। शास्त्र में किसी में भी, किसी शास्त्र में, किसी प्रमाण में नहीं है जन्माष्टमी 7 की। तो किताबों के हिसाब से 6 की है, 6 की है, तो 6 को शास्त्र के हिसाब से 6 की है। शास्त्र के कोई पंडित जो है बठिंडे के अंदर, क्या हिंदुस्तान में कोई पंडित डिक्लेयर कर दे जन्माष्टमी 7 की है? नहीं है। तो रीजन क्यों है ये दोबारा? ये गुगा नवमी को देखते हुए लोग जो है अनपढ़ मूर्ख आदमी है, कहते गुगा नवमी 8 की है तो गुगा नवमी भगवान के जन्म को खिसका दवा के साथ में ले जाओ। क्यों आपको ज्यादा गुगा नवमी से प्यार है तो गुगा नवमी को 7 को ले आओ ना, आप भगवान के जन्म को क्यों खिसका खराब कर रहे हैं? हमारे भगवान के जन्म को खराब कर रहे हैं ये लोग, ये चक्कर सारा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।